जैसा कि हम सबकी परंपरा है कि रमजान में अफ्तारी के वक्त हम दुआ मांगते हैं। दुआ इसलिए मांगते हैं क्योंकि अफ्तारी के वक्त मांगी हुई दुआ कबूल होती है। वैसे तो सारी दुआएं कबूल होती है, लेकिन अफ्तारी के वक्त जो कुछ हम मांग लेते हैं वो जल्दी कबूल होती है। तो हम सब यहाँ दुआ के लिए बैठे हैं। एक परंपरा हमने और प्रारंभ की माननीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में, हमारे गुरुदेव आदरणीय गिरी जी के मार्गदर्शन में, कि जब भी अफ्तारी का वक्त हो तो हम अपने नबी पैगंबरों की कोई एक कथा सुनाएं जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। तो मेरे को एक बहुत प्रिय बात जो ये लगती है वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने सजदा किया, ये सब जानते हैं, लेकिन फरिश्तों ने सजदा क्यों किया जबकि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे और फरिश्ते आग से बने हुए थे। और हम आदम अलैहिस्सलाम की परंपरा में आदमी कहलाए, हम भी मिट्टी से बने हुए, जो हमसे अफजल है फरिश्ते, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज्ञान में आगे थे, नॉलेज में आगे थे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सभी फरिश्तों से और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत सारे प्रश्न किए तो सबसे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दिए थे। तो ज्ञान में आगे थे तो फरिश्तों ने भी उनके आगे सजदा किया। हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि जब उनके पास एक खबर पहुंची कि एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात से दुआ मांगी कि हमको इस आफत से बचा, लेकिन दुआ मांगने के बाद वो चुप नहीं बैठे बल्कि उस आफत से कैसे बचा जाए इसके लिए काम करने लगे। तो वो क्या थे? एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, एक बहुत बड़ा इंजीनियरी, एक बहुत बड़ी शिप यानी कि पानी के जहाज का निर्माण कर सकता है। क्या एक सामान्य व्यक्ति हवाई जहाज बना सकता है? क्या एक सामान्य व्यक्ति पानी का बड़ा जहाज बना सकता है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आफत से बचने के लिए इंजीनियरिंग का प्रयोग किया और एक बहुत बड़ी शिप बनाई। नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास सबसे पहला शब्द जो आया हजरत जिब्राइल अमीन जो लेकर आए वो क्या था? इकरा। इकरा यानी कि पढ़ो, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पे। तो पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए तमाम नबी, मैंने एक नबी का उदाहरण दिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो कि बहुत बड़े इंजीनियर थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पढ़ने का संदेश दिया गया है कि पढ़ो 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 अल्लाह के नाम पे पढ़ो। और डॉक्टर कलाम साहब ने पढ़ाई की, इंजीनियर बने तो भारत रत्न भी बने और इस देश के राष्ट्रपति भी बने। ये हमारे नबियों की सुन्नत है, ये कुरान शरीफ का फरमान है। हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम कोई कैसे जान पाएगा। हमारे गुरुदेव है डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर्कल में, उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में 2000 स्टूडेंट में से सिर्फ एक मुस्लिम था कक्षा 11वीं में, उसके पहले तक मैं मुसलमानों को बहुत खराब समझता था, लेकिन उस एक मुस्लिम विद्यार्थी को जब मैंने देखा, मेरा दोस्त बना, उसका किरदार इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि मुसलमानों के बारे में मेरे विचार गलत थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इस्लाम को जानना चाहेगा तो वो कुरान शरीफ पढ़ने नहीं जाएगा, वो हदीसों को नहीं देखेगा, सबसे पहले हमारे किरदार को देखेगा। हमारा किरदार अगर ऐसा है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हम सड़कों को ब्लॉक नहीं करते हैं, हम जूता चप्पल लाइन से रखते हैं, हम भूखे को खाना पूछते हैं, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, तो उससे ही इस्लाम की सही जानकारी उस व्यक्ति को होगी। हम यदि गाली गलौज, गुंडागर्दी, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उससे वो इस्लाम को जानेगा कि इस्लाम कैसा मजहब है, एक बुरे मजहब के रूप में छवि ना बने। इसलिए हम अपने किरदार को संवारें, किरदार को सुधारें। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने एक रिसर्च की, जब उनके सामने कुछ परोसा गया तो उन्होंने कहा इसे मेरे सामने से हटा लो, इसके पेट में जो दूध है वो शिफा है, वो मांस था गाय का, गाय का मांस बीमारी बताया, गाय का दूध दही घी शिफा बताया, गाय का दूध
शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हयातुल हैवान अबू नईम मुस्तदरक अल हाकिम और तमाम हदीसों में इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो आइए हम अपनी नबी की सुन्नतों पर चले, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं और हम नेक काम करें जिससे कि हमको देखकर इस्लाम की अच्छी छवि बने। मेरी यही गुजारिश है। अफ्तार का वक्त हो रहा है, हम अपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो परंपरा थी कि हम अपने नबी पैगंबरों की एक कथा सुनाएं, वो कथा मैंने आपको सुनाई। मेरे कहने में और मेरी कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी पढ़ाई लिखाई करें। मेरी बहन, आप जैसी तरबियत अपने बच्चों को देंगी तो वैसे ही बच्चे बनेंगे, वैसे ही मुसलमानों की छवि बनेगी। मेरी बहन बिल्किस बानो ने, यहाँ पर डॉक्टर बिल्किस बानो ने जो अफ्तार का जो आयोजन किया है, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे, आपके रोज़ी रोटी में, आपके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाएँ, आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करें। आइए हम सब